तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। ऐसे में तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस बार के बजट में डिजिटलाइजेशन एक अहम मुद्दा रहा। बीते कुछ सालों में भी भारत में डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण का विकास हुआ है। इसी कड़ी में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपी का जिक्र कर अपने बजट भाषण में कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि भारत में जल्द ही डिजिटल रुपी को लॉन्च किया जाएगा। इस मुद्दे पर इकोनॉमिस्ट धनुश्री ने बताया कि डिजिटलाइजेशन क्या है और क्या कुछ उसकी बारीकियां हैं। साल 2022 का भारत का बजट आ चुका है, ऐसे में तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत सारे लोग इसको दूरगामी बजट बता रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ धनश्री एक सीए हैं और यंग इकोनॉमिस्ट हैं, मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है आखिर उसका मसला क्या है। धनश्री जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी बहुत से लोगों के लिए एक नया नाम है और बहुत से लोग इसमें पहले ही ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या है ये क्रिप्टो करेंसी असल में? मीन्स अगर हमारे पास वर्चुअल डिजिटल एसेट हमने सेल किया और उसको लेकर कुछ इनकम हुआ तो उसको फ्लैट 30% टैक्स बनेगा। हमने 100 रुपये का लिया, 200 रुपये में बेचा तो 200 में से 100 गए, 100 के ऊपर फ्लैट 30% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही खर्चा माइनस किया जाएगा सेल्स, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। हमने हमारे एक सिस्टम रहती है कि हम सेल्स माइनस जैसे इनकम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट रिड्यूस कर सकते। इस केस में ओनली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकते, बाकी के कौन से एक्सपेंडिचर वो अलाउ नहीं करने वाले। द थर्ड पॉइंट उन्होंने रेज किया कि TDS 1% एप्लीकेबल होगा ऑन एनी काइंड ऑफ इनकम, कि जैसे भी हम ट्रांसफर करके कोई भी इनकम कमाते तो उसके ऊपर फ्लैट 1% TDS एप्लीकेबल होगा। तो वो जैसे TDS कटेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी खबर चले जाएगी, तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ इस बंदे के पास एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो फोर्थ थिंग उन्होंने ये बताया कि कोई भी लॉस अगर होता है इसके ट्रांजैक्शन में तो वो हम किसी गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। जनरली ऐसा होता है कि अगर इवन द शेयर ट्रेडिंग इनकम के हमें लॉस हो जाता है तो विच वी कैन सेट ऑफ अगेंस्ट ए अदर इनकम, बट इन स्पेसिफिकली शी मेंशन अगर कोई भी लॉस हो जाता है बाय ट्रेडिंग इन वर्चुअल डिजिटल एसेट तो विच कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। जो पेपर लेस की बात चल रही है डिजिटल करेंसी में, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसमें जो पेपर कॉस्ट जो अभी आती है छापने में, इसमें कॉस्ट कटिंग होगी तो उसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? देखो कि कॉस्ट कटिंग विकांड से कि एग्जैक्ट फिगर की इतनी अमाउंट हमारी सेव होगी, अगर कॉस्ट की जैसे पेपर मतलब पेपर प्रिंटिंग की कॉस्ट बचेगी, उसको स्टोरेज की कॉस्ट बचेगी, वो कॉस्ट हम किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो आई कांट से स्पेसिफिक एनी अमाउंट, बट वो कॉस्ट हम किसी और जगह पे यूटिलाइज करके और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका हेल्प हो जाएगा। तो ये धनश्री मैडम ने, यंग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बजट के अंदर जो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स की बात की गई है उसका मेन मतलब क्या है, असली मतलब उसका क्या है और कहां कहां वो टैक्स लगेगा और किस किस सूरत में वो टैक्स लगेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गोड, 24 न्यूज़।